हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ्रिल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर रियॉन का फैब्रिक लिया है और मैं सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में फ़ोल्ड कर दूंगी। ये ओपन साइड है कपड़े की और ये जो कैमरे वाली साइड है ये क्लोज साइड है। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। तो अब इसके बाद में मैं अपने कपड़े को इस तरीके से लूँगी और इसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करने के बाद में ये जो कैमरे वाली साइड है ये चारों साइड ओपन साइड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी वाली साइड है वो क्लोज साइड है कपड़े की। तो यहाँ से जो मेरे प्लाज़ो की रेडी नाप है वो है फुल लेंथ उसकी 36 इंचेस। तो आप देख सकते हैं 36 इंचेस मैंने आप लोग को दिखाया है, शो किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बेल्ट पोर्शन होगा वहाँ से। तो यहाँ पे मैं 0.5 इंच पे सबसे पहले मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ, ये दबने में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 0.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में 1 इंच ये हमारे फ्रिल के लिए आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पे सबसे पहले निशान लगा रही हूँ। फ्रिल के नीचे हमारा इलास्टिक आएगा, तो यहाँ पे मेरे इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंच। तो मैं फ्रिल के जस्ट नीचे 1 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पे 3 निशान हमारे पास हो जाते हैं, पहला मार्जिन दबाने के लिए, दूसरा 1 इंच फ्रिल के लिए और तीसरा 1 इंच इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो ये टोटल निशान 2.5 इंचेस जितने हमको ऊपर मिलते हैं। अब इसके बाद में जो भी मार्किंग होगी हमारी वो इसके नीचे से होगी, ये जितना मैंने निशान ऊपर लगाया है उसके नीचे से अब मार्किंग की जाएगी। यहाँ पर ये जितनी भी विड्थ है इस कपड़े की वो मेरे प्लाजो की लेंथ बन जाएगी। तो यहाँ पर कमर के मेज़रमेंट के लिए हमको हिप का राउंड चाहिए होगा। मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हिप राउंड है 40, उसके अंदर मैंने 4 इंच की लूजिंग रखी तो आया 44 इंच। 44 को मैंने 4 से डिवाइड किया क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है तो आया 11 इंच। तो मैं अब यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर दूँगी। तो कमर के बाद में अब मैं क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाऊँगी। तो आप स्क्रीन पे फॉर्मूला देख सकते हैं क्रॉच कर्व निकालने का। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो क्रॉच कर्व है वो है 12 इंच। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो देखिए मैं अब यहाँ पर निशान लगा ले रही हूँ। क्रॉच कर्व भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आसन खींचने का। अगर आप क्रॉच कर्व सही तरीके से लेते हैं तो आपके आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अब मैं आसन से 2.5 से 3 इंच जितना आगे की तरफ जाऊंगी और वहां पर निशान लगा दूंगी। अगर आप किसी छोटे साइज के लिए बनाते हैं तो आप इसे 2 इंच पर निशान लगाएं, पर अगर आप किसी बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो आप इसको 2.5 से 3 इंच पर इसका निशान लगाएं। तो अब आप देख सकते हैं मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ आसन से 3 इंच आगे की तरफ, देखिए आप स्क्रीन पर। अब इसके बाद में हमको क्रॉच बनाना है। तो क्रॉच आपको हल्का सा बनाना है, ज़्यादा अंदर की साइड गहराई में आपको कर्व नहीं देना है क्रॉच के लिए, नहीं तो आपका जो आसन है ये उस वजह से भी खींचता है, उससे भी खींचने लगेगा। इसलिए आपको हल्का सा कर्व की शेप देनी है। यहाँ पर देखिए मैं एकदम हल्का सा इसको कर्व का शेप दे रही हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं बनाना है आपको। अब इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर 14 इंच हो गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हमारे प्लाजो की जो रेडी नाप है वो है 36 इंच। ऊपर मैंने 0.5 दबाने के लिए पहले ही ले लिया है और नीचे मैं 1.5 इंच दबाने के लिए लूँगी। तो इसमें हमको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 38 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इस क्रॉच कर्व से हमको एकदम नीचे की तरफ मार्क कर देना है। ये क्रॉच से मैं 3 इंच आगे की तरफ बढ़ के यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगी, देख सकते हैं आप मैंने मार्क कर दिया। अब मैं नीचे की साइड 1.5 इंच जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन है जो कि अंदर मुड़ने में चला जाएगा। ये देखिए मैंने इसकी मार्किंग पूरी कर ली है। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 0.5 इंच एक्स्ट्रा रख करके आपको इस पूरे को कटिंग कर लेना है। आपको चारों तरफ से 0.5 एक्स्ट्रा लेना है, बस आपको नीचे की तरफ नहीं लेना है। तो यहाँ पे नीचे मेरा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया था जिसको मैं बाद में बेल्ट बना लूँगी। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप इसका बेल्ट बना सकते हैं, और अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो आप बेल्ट नहीं भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग पूरी कर ली है। अब इसके बाद में
हम इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए, सीधा करने के बाद में ये क्रॉच दोनों हमारे जो हैं, इसको हमको सबसे पहले सिलना है। तो चलिए मैं इसको आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इन दोनों क्रॉच को एक दूसरे से ऊपर नीचे की साइड अटैच करके इन दोनों पे स्टिच लगा दी है। अब मैं इस क्रॉच के सेंटर में इस तरीके से पकड़ के इस क्रॉच को सेंटर में लेके आऊँगी। तो देखिए, क्रॉच हमारा सेंटर में आ गया, सिला हुआ जो पार्ट था वो सेंटर में आ चुका है। अब देखिए, इस क्रॉच के नीचे की साइड, ये जो वी का शेप है, ये हमारे लेग्स हैं, इनको हमको स्टिच करना है। अब इसके बाद में हमको कमर वाले पार्ट में जाना है। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पहले लिया था, तो अब हमको 2.5 इंच पे ही पूरे कमर में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हमको इस तरीके से कपड़े को पूरा 2.5 इंच में पलट देना है। ये देखिए, मैं किस तरीके से इसको पलट रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब जितना मैंने पहले 0.5 मैंने मार्जिन के लिए लिया था, वो उतना मैं मार्जिन दबाने के लिए अंदर की तरफ दबाऊंगी। दबाने के बाद मैं इसको प्रेस कर दूंगी, जिससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी और सिलाई करते वक्त इसके ऊपर झोल नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 0.5 जो अंदर दबाया था, मैं इसको स्टिच कर ले रही हूँ। इसको पूरी गोलाई में मुझे स्टिच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरी कमर के ऊपर स्टिच कर लिया है, पर यहाँ पर मैंने 1.5 इंच जितना खाली छोड़ा है। मैं इसमें स्टिच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ही हमको अपने इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। तो देखिए, मैंने पूरे में स्टिच कर लिया और ये है हमारा इलास्टिक, जो कि मेरे कमर से मैंने 3 इंच कम लिया है। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 31 और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। तो अब देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूँगी सेंटर से। 1 इंच के ऊपर फ्रिल आ जाएगी और 1 इंच का हमारा जो इलास्टिक है वो, तो टोटल हमको इसके बीच में निशान लगा देना है। देखिए, इस तरीके से मैं इसके बीच में निशान लगा दे रही हूँ। अब इन निशानों के ऊपर ही हमको पूरी कमर में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, अब मैं इसको इस निशान के ऊपर ही पूरा स्टिच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने नीचे छोड़ा था 1.5 इंच का, मैं ऊपर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ऊपर हमारी फ्रिल आएगी और नीचे इलास्टिक। देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी कमर में निशान लगा लिया है बिना कोई स्पेस छोड़े। नीचे की स्पेस हमको छोड़े रखनी है, क्योंकि वहाँ से हमको इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पिन ली, पिन की हेल्प से मैं इस पूरे इलास्टिक को बाहर की तरफ निकाल लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इलास्टिक को निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं आपको ये इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच करना होगा। तो चलिए मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको एक दूसरे को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे बीच में इसको सिलाई लगा के सिक्योर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, अब इस तरीके से आपको इलास्टिक को अंदर जब चला जाए, उसके बाद आपको इस तरीके से खींचना है, जिससे गैदरिंग इसके चारों तरफ ऊपर की तरफ फैल जाए, इससे फ्रिल अच्छी आएगी। और ये जो इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए मैंने 1.5 इंच की स्पेस छोड़ी थी, अब इसको भी सिल करके मैं, देखिए यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब हमको इलास्टिक को सिक्योर करने के लिए इलास्टिक के ऊपर स्टिच करना होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों हाथों से खींचते हुए, इस तरीके से खींचते हुए आपको 2 लाइन की सिलाई लगा लेनी है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर 2 सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ ये जो लेग था, उसको आपको 2 फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर सिलाई से सिक्योर कर लेना है। देखिए, इन दोनों का यहाँ पे मैंने मार्क किया था 1.5 इंच का, को 1.5 इंच जितना मोड़ करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है दोनों पैर में। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर ये हमारी फ्रिल वाली प्लाजो बन करके रेडी है।